उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। एक दौर था जब इस गायिका ने ये गाना गाया था। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, लेकिन जमाना उन्हें भूल न सका। मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। चाहे दुख हो या सुख, सुधा मल्होत्रा के गाने हमारी तन्हाइयों के साथी हैं। मेरे नदीम, मेरे हम सफर, उदास ना हो, कठिन सही तेरी मंजिल मगर उदास ना हो। मेरे नदीम, मेरे हम सफर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में सुधा मल्होत्रा। ये प्यार था या कुछ और था, न तुझे पता न मुझे पता, ये निगाहों का ही कसूर था, न तेरी खता न मेरी खता। इनसे बातें की हैं निम्मी मिश्रा ने। सुधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार दिमी जी, मेरे श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। अच्छा, तो एन दत्ता साहब के बारे में बताइए, उनके साथ आपने काफी गाने गाए थे। उनके साथ बड़ा गाना जो मुझे पसंद था उनका, धूल का फूल का, कैसे कहूँ मन की बात, वो गाना तो एक तो फिल्म बहुत लाजवाब। हाँ, उसमें एन दत्ता साहब का संगीत बेहद ही सुरीला और वो क्लासिकल, मुझे इसलिए पसंद आया। और क्योंकि आपने शुरू से क्लासिकल सीखा है तो आपकी रुचि क्लासिकल में ज्यादा रहे। हाँ, है ना। तो उस गाने के बारे में कुछ बताइए कि जब आपको वो गाना मिला तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा गाना है। और टॉप प्रायोरिटी क्लासिकल था तो मुझे और भी पसंद आया। और उन्होंने जो सरगम वगैरह भी थे बीच में बोलने को कहा, तो उनको भी हिचक लगा कि बोल सकते कि नहीं बोल सकते, पता नहीं ना। लेकिन वो बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड हुआ और मुझे फर्स्ट क्लास मतलब बहुत पसंद था। वो आप सुनवाइए। बिल्कुल, सुनवाते हैं।
जब आपकी पार्श्व गायन का काम शुरू हो चुका था तभी भी आप क्लासिकल सीखती थी? रियाज तो सुबह स्टार्ट हो जाता था, गुरुजी आते थे? हाँ, गुरुजी आते थे। तो रिकॉर्डिंग करने के बावजूद भी मुझे जाना पड़ता था, बट पहले 2 घंटा तो रियाज करना ही था रोज। तो रियाज का कोई खास तरीका गुरुजी ने सिखाया था या सरगम जैसे? सबका अलग अलग होता है जी। हाँ, सरगम सब पार्ट वगैरह जो भी वो तो उनका स्टाइल जो था उन्होंने बताया हुआ था। अच्छा। और वही हम लोग करते थे सुबह। लेकिन देखिए नॉर्मली गला थक जाता है रियाज करो फिर रिकॉर्डिंग करो, पता नहीं, दिस इज यूथ। जब आदमी यंग होता है ना सब कुछ पहाड़ भी क्लाइंब कर सकते हैं हम लोग है। और इतने मतलब रियाज करने के बाद फिर रिकॉर्डिंग करने जाओ, वहां पर कितना स्ट्रेन्यूस कि सारे गाने खुद गाना पड़ता था, नोट के डब के बंद कर दो, ये अक्षर इसमें डाल दो, ये सब नहीं था ना जमाने में, ऐसी सुविधा नहीं थी। नहीं, 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 नहीं। एक बार में पूरा गाना याद करके अच्छी तरह गाना पड़ता था। अच्छा, इससे मुझे एक याद आ रहा है कि जैसे आपको कोई गाना मिला तो आपको फिल्म की स्टोरी और किस पे वो गाना फिल्माया जा रहा है और जब उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, ऐसा होता था? नहीं 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 नहीं, कई दफा तो यही नहीं पता लगता था हम किसके लिए गा रहे हैं। ये सब जरूरी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सूट कर जाता था, पता नहीं कैसे कभी कभी मालूम पड़ जाता था किसके लिए गा रहे हैं। लेकिन प्रोड्यूसर को ये बताने की जरूरत नहीं थी कि ये इसका है, एवरी टाइम ऐसे नहीं होता था सच। अच्छा, फिल्म की स्टोरी या कौन कलाकार है कुछ नहीं पता रहता था? क्योंकि आई डोंट थिंक उनको भी इतना मालूम था तब तक, पहले गाने कर लेते हैं जी। हाँ, पहले गाने हो जाते और फिर उसको सिचुएशन पर डालते हैं। तो ज्यादा करके किसके लिए गाया जा रहा है वो शायद बताते थे, लेकिन क्या सीक्वेंस में आएगा वो नहीं बताते थे। तो ऑटोमेटिकली आ जाता था, अनलेस कोई बहुत ही मोटी आवाज हो और पतली आवाज आ रही तो वो तो अलग अलग बात है जी। हाँ, लेकिन सूट कर जाती थी आवाज। अच्छा, तो एक जैसे डिटेक्टिव फिल्म का आपका एक गाना है, कौन सा? रफी साहब के साथ है, शायद आपको याद हो, आंखों पे भरोसा मत कर दुनिया जादू का खेल। तो उसमें आपकी आवाज में एक अलग सी शोखी है। मुझे तो सच बताऊं इतने पुराना जमाना याद दिला रहे, मुझे याद इतनी नहीं है। तो वो तो एक आर्टिस्ट की होना चाहिए, उसमें हुनर होना चाहिए कि जैसे सिचुएशन, अगर सपोजिंग किसके लिए गा रहे हो तो नहीं, लेकिन बता दिया अगर कि हाँ, सिचुएशनल। हाँ, जैसे राज जी ने कहा तो रोना है। हाँ, या किसी ने बोला कि ये अच्छा हंसी का माहौल है, या किसी ने बोला कि चंचल आवाज आनी चाहिए, तो अच्छा ऐसा बता देते थे। हाँ, मतलब ये अगर नहीं भी बता पाए कि कौन हीरोइन है, देखिए कुछ तो म्यूजिक डायरेक्टर बताते थे कि ये ऐसे म्यूजिक से पता लग जाता था। हाँ, स्वरों से भी। हाँ, हसली गाली ऐसे वर्ड से मालूम पड़ता है कि क्या होना चाहिए। हाँ, तो फिर ऑटोमेटिकली आप वैसे ही गाएंगी ना। हाँ, कुछ अपना दिमाग भी यूज करना चाहिए ना। गला दिमाग दोनों का, दोनों बिल्कुल समझेगी। तो ये गाना आपको याद है, आंखों पे भरोसा मत कर, कि ये जब रिकॉर्डिंग हुई थी कुछ खास बात रफी साहब के साथ गाने में कैसा लगा, उससे पहले के अनुभव कुछ याद आ रहा है? जी, कुछ खास, इतना कॉन्सेंट्रेशन अपने गाने पे रहता था कि आगे पीछे कुछ समझ ही नहीं आता था क्या गा। बस इतना याद है कि सब लोग मुझे स्पॉइल करते थे बहुत, तारीफ कर करके, इतना जरूरी याद है। तो इसमें क्या कहें, आपकी खूबसूरती भी बहुत साथ देती रही आपका। अब आपका जो मर्जी है बोलिए। मैं तो इस वक्त अपना इस उम्र में अब सब कुछ एक्नॉलेज करने को तैयार हूँ। और माशाल्लाह इस उम्र में भी आप इतनी खूबसूरत हैं। मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि सुधा जी के साथ बात करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इस उम्र में भी वो एकदम फिट और बेहद खूबसूरत है। मेरे एडमायरर्स, मेरे फैंस, मेरे सुनने वाले सब मुझे यंग रखते हैं। और खुद को भी आप यंग महसूस करती हैं? क्योंकि वो लोग सब यंग रखते इतना प्यार देते हैं, उससे मेरे को अच्छा लगता है। हाँ, ये बात तो है, और जैसा हम महसूस करते हैं वैसा ही बन जाते हैं। आपके बारे में जो मैं बता रही हूँ श्रोताओं को, बहुत से लोगों को बहुत प्रेरणा भी मिलेगी इससे कि आदमी को हर उम्र में खुश और अपने आप को, क्योंकि मन तो हमेशा उसी उम्र का रहता है, उसकी उम्र नहीं बढ़ती, शरीर की बढ़ती है। तो अगर मन से खुश रहें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी बात पर ये डिटेक्टिव फिल्म का पहले गाना सुन लेते हैं, फिर अपनी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आंखों पे भरोसा मत कर,
दुनिया जादू का खेल है, हर चीज यहाँ एक धोखा, हर बात यहाँ बेमेल है, आंखों पे भरोसा मत कर, दुनिया जादू का खेल है, हर चीज यहाँ एक धोखा, हर बात यहाँ बेमेल है। ओ मत वाले हंस ले गाले ले जीने का मजा, इस दुनिया की भीड़ में तू मेरी तरह नन्हा बन जा, आंखों पे भरोसा मत कर, दुनिया जादू का खेल है, हर चीज यहाँ एक धोखा, हर बात यहाँ बेमेल है। बात में क्या रखा है, पर ये तो कोई बतलाए क्या झूठा है क्या सच्चा है, कहने को तो सब कहते हैं इस बात में क्या रखा है, पर ये तो कोई बतलाए क्या झूठा है क्या सच्चा है, हम दीवाने बस ये जाने जो कुछ है सो अच्छा है, हम दीवाने बस ये जाने जो कुछ है सो अच्छा है, आंखों पे भरोसा मत कर, दुनिया जादू का खेल है, हर चीज यहाँ एक धोखा, हर बात यहाँ बेमेल है। राह के हम सब राही पहचान है ये पल भर की, कल तो जुदा कर देगी हमको लहर इस जीवन की, इस राह के हम सब राही पहचान है ये पल भर की, कल तो जुदा कर देगी हमको लहर इस जीवन की, जीने वाले जी पहला ले कल तो देंगे हम कल की, जीने वाले जी पहला ले कल तो देंगे हम कल की, आंखों पे भरोसा मत कर, दुनिया जादू का खेल है, हर चीज यहाँ एक धोखा, हर बात यहाँ बेमेल है, आंखों पे भरोसा मत कर। अच्छा, रोशन साहब के संगीत निर्देशन में आपने बहुत बहुत अच्छे बहुत गाने अच्छे अच्छे, और खास तौर से वो जो कव्वाली है बरसात की रात की, उसके बारे में आप हमको विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताइए। वैसे सब लोग इधर उधर मैगजीन में पढ़ते हैं, इधर से जानते हैं उधर से, पर आप उसकी बिल्कुल साक्षात गवाह हैं, उसकी रिकॉर्डिंग की और आपने वो कव्वाली गाई है। वो कव्वाली ऐसी कव्वाली तो बनेगी नहीं, बनी नहीं है, न बनी है न बने। बहुत लोगों ने ट्राई किया, बहुत लोगों ने पिक्चर्स में डालने की कोशिश करी जी, अच्छी बनी, लेकिन वो बात वो बात नहीं है। तो रोशन साहब का काम करने का तरीका क्या था आपने, क्योंकि सिर्फ ये कव्वाली नहीं और भी गाने गाए। रोशन जी ने भी क्लासिकल बहुत सीखा हुआ था, उन्होंने भी कई गुरुओं से जाके, आपने पढ़ा होगा उनके बारे में, जाके सीखा, बहुत अच्छा उनके अंदर क्लासिकल था, और सॉफ्ट स्पोकन, वेरी नाइस पर्सन। और आपने उनकी वो जो गजल है पयाम इश्क मोहब्बत, वो भी रोशन साहब का संगीत, बढ़िया उनके हर गाने जो मैंने नहीं भी गाए, लता जी ने गाए, बहुत बढ़िया, मतलब बिल्कुल बेशकीमती, एक एक नगीने की तरह थे, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छे, मतलब वो शास्त्रीय था पर ज्यादा ध्यान देते थे। हाँ, और म्यूजिक को सॉफ्ट गाने बनाते थे, धाड़ धूड़ नहीं इतना धमाका, ये तो कव्वाली बनाई वो डिफरेंट थी, वो तो कव्वाली टाइप की थी पर उसमें भी सॉफ्टनेस है। Yeah, मतलब जो कुल मिला के जो सारी बीट्स और इंस्ट्रूमेंट का जो असर है वो बड़ा ही मेलोडियस है। एब्सोल्युटली, वो तो कमाल की कव्वाली। तो उसके बारे में बताइए कि वो किस तरह शुरुआत हुई उसकी, और उसकी रिकॉर्डिंग में कितना वक्त लगा, और तो कितनी वो लंबी रिहर्सल करी होगी जरूर, मुझे उसकी तो रिहर्सल करी थी रोशन जी के साथ, अलग अलग आर्टिस्ट ने करी थी अलग अलग। अच्छा, क्योंकि सबकी लाइन्स अलग अलग थी ना, जैसे स्टार्ट मना जानी थी। हाँ,
मुझे तान लेकर आए थे जी, हाँ, जी, बहुत हाँ। बहुत अच्छी। तो उन्होंने पहले एक रिकॉर्डिंग करी, वो फर्स्ट क्लास हुई। उसके बाद फिर हम लोगों ने कोरस में गाया ना तो कारवां की तलाश है। और पहले तो आपको बताऊँ, ये गाना सुबह से स्टार्ट हुआ, हम लोगों ने 12 बजे स्टार्ट किया होगा दोपहर में। अगले दिन रात तक, मतलब अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग तक गाया हम लोगों ने। तो 24 आवर्स का ये गाना था, इतना लंबा गाया, क्योंकि इतने आर्टिस्ट, इतने म्यूजिशियंस और इतने अलग अलग ढंग का, उसको हर मोड़ पे उसको अलग करते, तो इट वॉज समथिंग। मैंने कभी नहीं ऐसा काम किया जैसे उस गाने के ऊपर काम किया, बहुत ही कमाल का। और जैसे दो दो लाइन भी गाई, लेकिन वो लाइंस भी देखिए कितनी सुंदर थी, कैसा था वो, ना तो कारवां की तलाश है ना तो हम सफर की, फिर मैंने गाया वो तान लेके ना तो हम सफर की तलाश, ऐसे कर दिया। तो इट वॉज क्या कहना चाहिए, बस एक जहन में आता है तो मजा आता है। हाँ, मैं उसके बारे में कहीं पढ़ रही थी कि रोशन साहब की पत्नी ने कहा कि आप इतनी बड़ी कव्वाली बना तो रहे हो, पता नहीं लोग इसको इतना पसंद करेंगे, सुनेंगे कि नहीं। तो उन्होंने ये कहा, होने दो रिकॉर्डिंग फिर तुम देखना। और फिर बाद में वो खुद ही गाने बहुत अच्छा गाती थी उनकी वाइफ। अच्छा, तो उनसे कैसा आपका संबंध था? कभी गाने तो आपने उनके इतने सारे गाए, फिर घर जाना आना होता था या? इतना नहीं, इतना ज्यादा नहीं, नहीं नहीं। अच्छा, यू नो समहाउ हम लोग सब अपने में रिस्ट्रेन थे, अपने अपना काम करते थे और इतना टाइम भी नहीं था शायद उनके भी पास। और अच्छा, तब ये बच्चे सब छोटे छोटे होंगे रोशन साहब के जो? सब छोटे छोटे थे, तो उनसे ज्यादा मेरी मुलाकात नहीं होती थी, लेकिन जब भी होती थी अब घर पे ही जाके रिहर्सल करते थे कई। अच्छा, उनके घर जाके रिहर्सल करते थे, उनके घर पे करी थी। और बहुत अच्छा लगता था उनको उनसे सीखना, क्योंकि उनको बहुत आता था। से क्या नहीं, नहीं नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। वो सिखाने का तरीका बहुत अच्छा था कि जैसे कैसे वर्ड्स को कैसे बोलना चाहिए सॉफ्टली, और उसको यू नो थोड़ा मुर्की डालो या नहीं डालो, सब बताते थे। तो अच्छा लगता था सीखना उनसे। अच्छा, और फिर कुछ अपना भी डालना पड़ता था। सी, आप म्यूजिक डायरेक्टर जो बताता है उसके अलावा भी आप कुछ डालें तो उनको अच्छा लगता है, अगर सही हो तो। तो हम लोग डालते थे, कुछ ना कुछ बोलते थे बीच में अपने गले से। अच्छा, तो वो उसे अप्रिशिएट करते? हाँ हाँ, जरूर जरूर। एक्सप्रेशन तो आने चाहिए थे ना हर चीज में। हाँ, तो एक्सप्रेशन डाल दो। अब जाके समझती हूँ अपने आप को ज्यादा। पहले तो मैं बिल्कुल बिंदास थी, गाया और भाग गई, सोचती भी नहीं थी क्या गाया। बिल्कुल जैसे व्हेन यू आर यंग ना, तुम्हारे को फटाफट आगे चलो आगे चलो। तो अब मैं जब सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक आपको बात बताती हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहती बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल अपना गाना सबसे खराब लगता है। ये आपका लेकिन नरेंद्र शर्मा जी ने एक दफा कहा था कि सुधा तुम्हारे गाने में एक सोफिस्टिकेशन है। इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी, मुझे अभी तक याद है, क्योंकि मैं गाने के एक्सप्रेशंस मेरे में, आप मेरे गाने सुनिए जी, हाँ जी, हाँ, अरे बहुत, वो बोल में जो एक्सप्रेशंस आते थे वही सबको पसंद आते थे, चाहे स्वर इतना नहीं भी लगता था, बट वो जो एक्सप्रेशंस थे वो बहुत अच्छे नहीं। और एक अलग सी आवाज थी उस जमाने में। हाँ, आपकी आवाज जो थी वो अलग ही पहचान में आती थी। वही उन्होंने कहा कि कुछ सोफिस्टिकेशन है। हाँ, आवाज में। अब शर्मा जी आपका मतलब क्या, मुझे समझाइए। बोले नहीं, मैंने बोल दिया, आप जो तुम समझ लो इसको। अच्छा, आपने उनसे पूछा कि आप क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। नरेंद्र शर्मा जी बहुत बड़े राइटर थे, अरे बहुत, विविध भारती के तो वो बिल्कुल ही, बिल्कुल सारे कार्यक्रमों के नाम, बहुत पसंद था उन्हें मेरा गाना, कहते थे ये तारीफ करते थे मेरी, बहुत अच्छा लगा। तो हमने उस कव्वाली की इतनी बातें की हैं, तो उस कव्वाली को पूरा सुना? अरे बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए सुनाइए, बहुत अच्छी। वो मैंने देश विदेश में जाके गाई और ऑडियंस को गवाया अपने साथ। अच्छा, सबको याद थी, तो मैं ऑडियंस के लोगों को बुलाती थी, आइए स्टेज पे बैठ जाइए, इसको आती है कव्वाली गाओ मेरे साथ, क्योंकि अलोन तो मैं नहीं गा सकती थी। हाँ, ना कव्वाली, कव्वाली नहीं तो को, जो जिसमें रफीका का सबका लाइन थी वो गाते थे, कोई कोई कुछ गा रहा है तो आशा, मैं तो गा, लेडी का तो मैं गा सकती थी सब। हाँ, बीच बीच में सब लोग गाते थे, ऑलवेज अ सुपर हिट। सुनवाने से पहले ये बात और जानना चाहती थी कि एक साथ में वो जो पूरी इतनी लंबी कव्वाली एक साथ रिकॉर्ड हुई थी? एक साथ में तो हो ही नहीं सकती। हाँ, इसीलिए तो, किस तरह से हुई? बिट बिट बाय बिट, बिट बाय बिट, ऐसे रफी जी ने गा लिया, फिर एस डी बातिश जी ने गा लिया, मन्ना जी ने गा लिया, आशा जी ने गा लिया, आशा जी आपने गा लिया, मोस्टली साथ में था। अच्छा, अच्छा। फिर बाद में मेरा मेरा ज्यादा आ गया था। मैंने वो पंजाबी वगैरह भी गाया था ना, तो ज्यादा था। सो चलिए सुनते हैं। बहुत अभी काफी खटर पटर हुई थी कि इनको ज्यादा मिल रहा है। अच्छा अच्छा, ये यही बातें तो हम सुनना चाहते हैं, आप बता नहीं रही हैं। बताना चाहती हूँ, हुआ था कि क्यों
इनको पहले ये होता है, दिस इज प्रोफेशनल ज्यादा इनको ज्यादा मिल रहा है। पर वो ऑटोमेटिकली हो गया या पहले से प्लान था कि आपके ही? मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मेरे को जो देते जा रहे थे मैं गाती जा रही थी। अच्छा। मतलब उसी वक्त दे रहे थे और आप गा रही थी रिहर्सल में? या दो दो लाइंस की तो। इट वाज नॉट डिफिकल्ट। तो मतलब ये पूरा यादगार आपको रहेगी ये रिकॉर्डिंग आपकी जिंदगी की? ओह यस, लॉन्गेस्ट रिकॉर्डिंग। नहीं तो एक एक टेक, दो दो टेक भागो, यहाँ तो दोपहर से लेके अगले सुबह तक गा रहे थे। तो बहुत ही एंजॉयबल था। मतलब जितनी मेहनत शर्मा दादर में किया था। अच्छा अच्छा। और वो रिकॉर्डिस्ट भी कमाल के थे, वो भी बहुत मेरे को आसमान पे चढ़ाते थे, क्या गा रही हो, क्या गा रही है। मैंने कहा शर्मा जी माफ करो, मैं इतना अच्छा नहीं गा रही। तो ऐसी यादें हैं जो कभी तन्हाई में बैठ के आपको तो याद आती होंगी। अभी हमारे श्रोताओं को ये बातें सुनना अपने आप में बड़ा ही सुखद अनुभव रहेगा। चलिए बातें हो गई, अब हम ये कव्वाली सुन लेते हैं। कारवां की तलाश है ना तो कारवां की तलाश है ना तो हम सफर की तलाश है ना तो कारवां ना तो कारवां कारवां की तलाश है ना तो ना तो ना तो कारवां की ना तो कारवां की ना तो कारवां की तलाश है न तो हम सफर की तलाश है अब न तो हम सफर की तलाश अब न हम सफर न तो हम सफर की
इश्क है और जान इश्क है, ईमान की जो पूछो तो ईमान इश्क है। तेरा इश्क है मेरी आबरू, तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दूँ, तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दूँ, मेरी उम्र भर की तलाश है, तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दूँ, मेरी उम्र भर की तलाश है, तेरा इश्क मैं कैसे, इश्क इश्क तेरा इश्क मैं कैसे, इश्क 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 इश्क। जासूस ही समझेगा, मैं शमा से कहता हूँ, महफिल से नहीं कहता, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क तलवार से रोटी ना गई, इश्क मजनू की वो आवाज है, जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोटी ना गई, क्योंकि वो हंस के अगर मांगे तो हम जान भी दे दें, वो हंस के अगर मांगे तो हम जान भी दे दें, ये जान तो क्या चीज है, ईमान भी दे दे, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क ना जो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा, ना जो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा, जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा, मजहब इश्क की हर रस्म कड़ी होती है, हर कदम पर कोई दीवार खड़ी होती है, आजाद है इश्क, आजाद है हिंदू ना मुसलमान है इश्क, आप ही धर्म है और आप ही ईमान है इश्क, जिससे आगा नहीं शेख ब्राह्मण दोनों, उस हकीकत का गरजता हुआ ऐलान है इश्क, इश्क ना पूछे है, इश्क ना पूछे दीन धर्म नो, इश्क ना पूछे है इसे आसान समझ, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगरपन घटकी, बहुत कठिन है डगरपन घटकी, डगरपन घटकी, डगरपन घटकी, डगरपन घटकी, डगरपन घटकी, बहुत कठिन है डगरपन घटकी, अब क्या भर लाऊं जमनक मटकी, क्या भर लाऊं जमनक मटकी, अब क्या भर लाऊं जमनक मटकी, हाँ
पटकी लाज राख मोरे घूंघट 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 पटकी मर निधर धनी पमा मा दे निधर निधर देख निधर धनी सतन धनी दपा दपा मम्मा पर कृष्ण की बंसी बाजी हो जब जब कृष्ण की बंसी बाजी निकली राधा सज के जान अजान का ध्यान भुला के लोक लाज को तज के बन बन डोली जनक दुलारी पहन के प्रेम की माला दर्शन जल की प्यासी मीरा पी गई विष का प्याला और फिर अर्ज करी के फरमान इश्क है यानी हदीस इश्क है कुरान इश्क है गौतम का और मसीह का अरमान इश्क है ये कायनात जिस्म है और जान इश्क है इश्क सरमद इश्क ही मंसूर है इश्क मूसा इश्क को है तूर है कांत को बुत और बुत को देवता करता है इश्क इंतहा यह के बंदे को खुदा उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में सुधा मल्होत्रा से निमी मिश्रा की बातचीत। अच्छा एक रोशन साहब की बात हुई या कवाली तो खैर लाजवाब है, इसके बारे में क्या कहा जाए। एक हीरा मोती फिल्म थी उसका एक गाना जो आपने गाया था कौन है रंग मंगुआ, बहुत अच्छा गाना, बहुत ही अच्छा, वो जो सुमन जी के साथ आपने। हाँ, उनकी अभी तक याद है। उनकी रोशन जी जब गाना सिखाते थे ना उनकी आंखें बंद हो जाती थी एकदम छोटी छोटी आंखें करके, और ऐसे छोटे से तो थे वो और नजाकत से ही गाते थे और सिखाते थे तो बड़ा अच्छा लगता था एक्सप्रेशन समझ आता थी क्या चाहते हैं वो। बहुत ही अच्छा गाना था वो भी, बजवाइए वो सुनवाइए। नहीं उसको तो सुनवाएंगे पर हाँ। उससे जुड़ी कोई बात बताइए कि सुमन जी के साथ आपने गाया। एक गाना गाया कि दो गाया याद नहीं। हाँ और भी गाए हैं। गाए हैं जी। हाँ अच्छा। पर ये बहुत बेहतरीन गाना है। तो इसकी रिकॉर्डिंग में ज्यादा वक्त लगा या कुछ खास बात? अरे निमी जी मेरी याददाश्त इतनी कहाँ ले गई, अब याद भी नहीं है। इतना याद है कि गाना बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा गाना। और एक्चुअली सुमन की मेरी आवाज हट के थी। हाँ बिल्कुल अलग, मतलब अलग ये पहचान में आता था कि ये सुधा मल्होत्रा की आवाज है, ये सुमन कल्याणपुर की आवाज है, और दो जैसे पिक्चराइज किया उस गाने को तो उसमें आवाज में वो शोखी और उसमें एक मैच्योरिटी वो दोनों दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक इसीलिए उन्होंने लिया होगा ना कि दो अलग किस्म की आवाज है ननद भाभी की। नहीं तो वो मुझे याद है सुमन जी भी बड़ी एक अच्छी लेडी, आई हैवंट मेट हर उसके बाद बहुत सालों से। वो भी आती थी सादगी से अपनी दो चोटियां बना के और अच्छा। बहुत अच्छे थे हम लोग के, मतलब अच्छा हम लोग का रैपर्ट था, अच्छा था। और कुछ याद नहीं है? और मैं क्या याद दिलाऊं, मुझे ज्यादा उसके साथ उनकी मुलाकात ही नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली। बहुत सोबर थी, बातचीत कम करती है। अच्छा अभी कोई बातचीत होती है उनसे कभी? कहाँ है मुझे मालूम ही नहीं, मुंबई में ही है। मुंबई में है, उन्होंने क्यों मन कर दिया गाना पता नहीं मुझे।
उन्होंने भी बंद कर दिया। उनके हस्बैंड भी मुझे याद है मिलते थे, वेरी नाइस। बट इसके बाद बीच में मिली थी एक दो दफा, लेकिन ज्यादा मुलाकात नहीं, ज्यादा मुलाकात नहीं है। मतलब उस दौर को याद करने का कभी मन हो तो उस जमाने के जो आपके साथी कलाकार थे उनको याद करके कुछ मिल बैठते। मनादा रह के बेचारे, उन्हीं से मिल लेती थी। अच्छा, उनसे बात करती है? हाँ, जब मिलते आते बॉम्बे तो बात होती है। घर पे आते थे, इनफैक्ट मेरा हारमोनियम उन्होंने कलकत्ता से मंगाया था, अभी तक चलता है वो हारमोनियम। अच्छा। मन्ना दा का बहुत ही बढ़िया हारमोनियम, आजकल हारमोनियम इतने बढ़िया मिलना मुश्किल है। इतने सुरीले, उस जमाने में जैसे हुआ करते थे। बहुत अच्छा, बट टच वुड वो बहुत अच्छा। तो मनाडे साहब आपके लिए हारमोनियम लेके नहीं, ये बात नहीं सुधा जी, हम बाद में करेंगे, पहले ये हीरा मोती फिल्म का गाना सुना दीजिए आपको। गाने से पहले सुधा जी मनाडे साहब की बात कर रहे थे जी, तो उनसे आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, घरेलू मतलब घरेलू। हमारे घर में मेरे ससुराल में संडे को, एवरी संडे इवनिंग को भजन हुआ करते हैं, मतलब 70-80 ईयर से चल रहे हैं। अच्छा, अभी भी होते हैं? अभी भी, तो खैर अभी तक कम हो गए लेकिन होते हैं। तो मनाडा कई दफा आते थे हमारे गाने को, जितने भी आर्टिस्ट हैं, देखिए हरिओम शरण जलोटा, पुरुषोत्तम जलोटा, अनूप जलोटा, सब आते थे हमारे यहाँ गाने को। तलत साहब, तलत साहब भजन तो नहीं गाए उन्होंने, लेकिन घर पे आते थे। रफी साहब? नहीं, रफी साहब, रफी साहब से नहीं इतना मेरा रहा। अच्छा, क्योंकि और मनाडे साहब के बारे में कुछ बताएंगे, मतलब रिकॉर्डिंग के वक्त कैसा उनका? ओ हो, करेक्ट करते थे, कुछ गलती हो तो मेरे को डांटते थे, सुधा ये ठीक नहीं है, ठीक करो।
तो आई हैड टू एक्सेप्ट इट, इतने बड़े आर्टिस्ट और इतने गुनी आर्टिस्ट, क्लासिकल तो पढ़ा, देखिए कैसे वर्सेटाइल, मतलब उनके गले में चाहे वो मजाहिया गाना हो, चाहे शास्त्रीय संगीत पर आधारित कोई रचना हो, या एक सोबर सा गाना हो दार्शनिक, वो बहुत उसमें अच्छा। पूरी तरह अच्छा, वो भी कभी म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बने है ना। कई लोग ने पूछा, मेरे से पूछा लारी तुम मुझे भूल भी जाओ, तुम मुझे भूल, मैंने कंपोज किया ओवरनाइट, उसके बारे में आप हाँ चलिए बताइए, उसी के बारे में बताइए। उसका ये था कि वो गाना जब बन रहा था तो साहिर साहब ने मेरे से कहा कि एन दत्ता को हार्ट अटैक हो गया था, तो मतलब रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, रिहर्सल हो गई थी, ट्यून भी नहीं बनी थी। अरे ट्यून भी नहीं, नहीं बोल तैयार थे और शायद शूटिंग करना होगा कुछ होगा, तो साहिर साहब ने कहा आप इसकी ट्यून बना सकती हैं। मैंने कहा मैंने तो ट्यून कभी बनाई नहीं, नहीं नहीं आप बना लेंगी। अच्छा। देखो कॉन्फिडेंस उनको था, घर लेकर आई गाना, ओवरनाइट ट्यून बनाई, अगले दिन म्यूजिक अरेंजर उनको सुनाया, उन्होंने म्यूजिक व्यूजिक डाला, गाना तैयार, गाना तैयार, मुकेश दा आए उनको सिखाया, उनने सीख लिया, रिकॉर्डिंग हो गई एंड सुपर हिट गाना, बिल्कुल सुपर हिट। आई एम सो सरप्राइज कैसे भगवान ने, कई दफा मेरे को, एक दफा जावेद साहब ने मेरे को पूछा, मेरे सामने तो बच्चे ही थे जावेद साहब, क्योंकि मेरे भोपाल में फादर के, इनकी मदर और फादर मेरे प्रोफेसर थे भोपाल में, जी हाँ जी हाँ, तो खैर तो मेरे से कहा आप कंपोज करोगी, मैंने कहा नहीं, मैं तो एक ही कंपोज किया और उसके बाद तो कोशिश भी नहीं करी, बट अब अफसोस होता है, विश आई डन मोर। हाँ, तो आपने एक इतनी जल्दी से कंपोजिशन बना लिया, फिर आप आगे आपकी इच्छा नहीं हुई कि मैं और भी, फिर शादी हो गई, इतनी बड़ी बात बताया आपको मैंने। अच्छा ये तो मैं जानूंगी, पहले ये फिर सुन ले, लाइफ को कंपोज कर रही थी घर के रस्ते में। अच्छा मुकेश जी के साथ ये सुन लेते हैं हम, उसके बाद मैं बात करती हूँ आपसे। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरे दिल की मेरे जज्बात की कीमत क्या है, उलझे उलझे से ख्यालात की कीमत क्या है, जो ये भी ना बताओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, जिंदगी सिर्फ मोहब्बत नहीं कुछ और भी है, जुल्फ रुख सार की जन्नत नहीं कुछ और भी है, भूख और प्यास की मारी हुई इस दुनिया में, इश्क ही एक हकीकत नहीं कुछ और भी है। तुम अगर आँख चुराओ तो ये हक है तुमको, मैंने तुमसे ही नहीं सबसे मोहब्बत की है। तुम अगर आँख चुराओ तो ये हक है तुमको, से फुर्सत ना सही, सबसे उल्फत सही मुझसे ही मोहब्बत ना सही, मैं तुम्हारा
पर भी दिल को जलाओ तो ये हक है तुमको। मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। हाँ, इस गाने से पहले सुधा जी हम बात कर रहे थे कि आपने और आगे क्यों नहीं ये संगीतकार के बतौर काम करना शुरू किया, तो वो बताइए कुछ। नहीं तो कॉन्फिडेंस नहीं था ना इस बात में कि मैं ट्यून बनाऊंगी। मैंने कॉन्फिडेंस तो हो जाना चाहिए इतना खूबसूरत बनाने के बाद। मैं क्या बताऊंगा, जो गलतियां हो जाती हैं लाइफ में उसको सुधार नहीं सकते, पास्ट को। अच्छा, और आपने कहा भी और हम सबको ये पता है कि आपने काफी लंबा गैप दिया, गाने गाना बंद कर दिया शादी के बाद, तो ऐसा क्यों किया? संगीत से जो कलाकार है वो कैसे दूर रह सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि मेरा माहौल संगीत का नहीं था। आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पर एजुकेशन और दूसरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड ये ज्यादा था। माहौल जब होता है संगीत का जहाँ दिन भर म्यूजिक चलता रहता है, ये सब होता है, देन यू आर टोटली इन्वॉल्व्ड इन दैट। माइंड वॉज अ डिफरेंट माहौल, विच कैसे मैं निकल आई यहाँ से वो तो पता नहीं। लेकिन इसके अलावा फिर जब शादी हुई, उस जमाने में फिल्म लाइन इतना सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते थे। हाँ, तो ये सब बातें थी, तो ये बातों की वजह से मुझे कहा गया कि आप फिल्म लाइन में नहीं जाएंगी, क्योंकि घर की इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली में मेरी शादी हुई, तो वहाँ की डॉटर लॉ बहू जाके म्यूजिशियन के साथ बैठ के गाना गाए, वॉज नॉट अ वेरी गुड सीन। अच्छा, तो आपको कहीं दुख हुआ इसका? मैंने छोड़ा थोड़ी गाना, फिल्म में नहीं गाती थी लेकिन बाकी सब जगह गाती थी। अच्छा, कॉन्सर्ट्स वगैरह करती थी? कॉन्सर्ट नहीं करती थी, लेकिन दूरदर्शन जब स्टार्ट हुआ था तब मुझे याद है उस जमाने में मूर्ति साहब जी हाँ थे, वो मेरे घर आए, मुझे अभी तक याद है, ब्लैक एंड व्हाइट स्टार्ट हुआ था, उन्होंने कहा कि आपको आना पड़ेगा। मैंने थोड़ा सा हिचकिचाई, मैंने कहा अच्छा मैं आऊंगी, तो फिर मेरी वहां से रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। दूरदर्शन किया, ऑल इंडिया रेडियो तो चल ही रहा था मेरे साथ, और फिर थोड़े थोड़े कॉन्सर्ट भी करना शुरू कर दिया, फिर धीरे धीरे गजलें। HME में बहुत सारी रिकॉर्डिंग करी, मराठी गाने गाए जो बहुत पॉपुलर हुए थे। आपका तो मराठी गाना एक तो बहुत ही शुक्रतारा, इसे नेशनल एंथम में सब बिल्कुल बिल्कुल। सो वो सब गाने चलते रहे, थोड़ी सी ये तो चलता रहा, सिर्फ फिल्म से दूर हो गई थी। फिल्म से दूर, तो उसका आपको अब कहीं अफसोस है क्या? बहुत बड़ा अफसोस, बहुत। अगर आप गाती रहती तो हो सकता है कि तो आज मैं यहाँ नहीं बैठी होती। वो तो हम आपको बुला लेते और श्रोताओं का प्यार आपके यहाँ आने पे मजबूर कर। वेरी हैप्पी मैं यहाँ आ गई, आप लोगों से बात हो रही है। अब कुछ देर के लिए अपनी बातचीत को देते हैं विराम और सुनते हैं ये गाना। शुक्र तारा मंदवारा चांदनी पाया तू, शुक्र तारा मंदवारा चांदनी पाया तू, चंद्र आहे स्वप्न वाहे धुंदया गाण्या तुनी, आज तू डोळ्यात माझ्या, आज तू डोळ्यात माझ्या, मिसळुनी डोळे पहा तू अशी जवळी शी
लाज ना आया खुला तू तुझा समझू न घेरे लाज ना आया खुला अंतरी का गंध माझा अंतरी उनकी यादों की। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुधा मल्होत्रा से निमी मिश्रा की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर गणेश शिंदे। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं कल्पना शेट्टी। उजाले उनकी यादों के।